हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको बताऊंगा आज की ब्रेकिंग न्यूज़ कैनेडियन इमिग्रेशन के बारे में, जिसमें रीसेंट कट ऑफ स्कोर सिर्फ 75 गया है। तो आप सुन के काफ़ी हैरान होंगे कि इतना कम स्कोर कैसे चले गया। तो मे भी काफ़ी फैक्टर्स हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट में भी चाहती है कि इमिग्रेंट्स पे लाए इन कोरोना के टाइम में, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रैवल करने के लिए मतलब ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं इस टाइम पे, क्योंकि वायरस स्प्रेड होने का डर है। तो जिस वजह से मे बी कैनेडियन गवर्नमेंट का ये प्लान हो, आई एम नॉट श्योर, बट मे बी प्लान हो कि इमिग्रेंट्स को काफ़ी बुलाया जाए इस पीरियड के अंदर, क्योंकि ऐसे भी कनाडा को इमिग्रेशन की काफ़ी ज़रूरत है, जैसे कि उन्होंने वेबसाइट्स पे लिखा है अपनी मोस्टली। तो 75 स्कोर सबसे कम गया है हिस्ट्री में, 100 से कम हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि 100 से कम स्कोर गया हो। और जो लास्ट टाइम जो कट ऑफ था वो था 454, 454 के अराउंड था, नॉट श्योर टू बी एग्जैक्ट, बट 454 के अराउंड था। सो ये बहुत ड्रास्टिक हुआ है। और लास्ट टाइम अराउंड 4000 इन्विटेशंस आई थी, 4000 इन्विटेशन भेजी गई थी, और इस बार तो मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 27,900 इन्विटेशंस भेजी गई हैं अप्लाई करने के लिए। सो गाइस, इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना बताना है, क्योंकि 75 स्कोर सबसे कम होता है, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। अप्लाई कीजिए पीआर के लिए, अपनी फाइल लगाइए एक सीईसी में, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर, और आपको डेफिनेटली पीआर ज़रूर मिल सकता है। कोशिश करते रहिए। सो गुड लक टू एवरी वन, एंड बस इतना ही कहना था इस वीडियो के अंदर। आप सबको इन्फॉर्मेशन देनी थी, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सबको, कि पता चले कि इतना कम स्कोर गया जिसको नहीं पता हो। तो गाइज, वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड हैव अ नाइस डे।